हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे CBSE की 8वीं की क्लास भारत की खोज के 5वें चैप्टर नई समस्याएं, इसके हम करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, महमूद गजनवी कौन था, उसने भारत पर कब आक्रमण किया। तो महमूद गजनवी तुर्क था। अफगानिस्तान के सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर सन 1000 ईस्वी के आसपास आक्रमण करना शुरू कर दिया। वह भारत से बहुत बड़ा खजाना लूट कर ले गया। महमूद गजनवी ने पंजाब और सिंध को क्या किया, अपने राज्य में मिला लिया और 1030 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। आपका अगला क्वेश्चन है, तैमूर कौन था और उसने क्या किया। तो 14वीं शताब्दी के अंत में तुर्क मंगोल तैमूर ने उत्तर की ओर से आकर दिल्ली की सल्तनत को ध्वस्त कर दिया। वो कुछ महीने भारत में रहा। वो जिस रास्ते से आया उसी रास्ते को उसने वीरान कर दिया। जिन लोगों को उसने कत्ल किया, तो उसने क्या किया, जिन लोगों का कत्ल किया उनकी खोपड़ियों से वह रास्ते को सजाता चला गया, जिससे दिल्ली क्या हुई, मुर्दों का शहर बन गई। आपका अगला क्वेश्चन है, तैमूर के हमले का दिल्ली की सल्तनत पर क्या असर हुआ। तो तैमूर के हमले से दिल्ली की जो सल्तनत थी वो कमज़ोर हो गई और जौनपुर में एक छोटी सी जो मुस्लिम रियासत थी वो खड़ी हुई। पूरी 15वीं शताब्दी के दौरान यह रियासत कला, संस्कृति और धार्मिक सहिष्णुता का केंद्र रही। आपका अगला क्वेश्चन है, शहाबुद्दीन गौरी कौन था। तो शहाबुद्दीन गौरी अफगानी था, उसने गजनी पर कब्जा कर लिया और गजनवी साम्राज्य का अंत कर दिया। उसने पहले लाहौर पर कब्जा किया, उसके बाद दिल्ली पर कब्जा किया और 1192 में वो जो पृथ्वीराज चौहान थे उनको हरा कर उसने उनको हरा दिया और दिल्ली के तख्त पर बैठा। अगला क्वेश्चन है, फारसी के बड़े लेखकों में किसका नाम प्रसिद्ध था। फारसी के बड़े लेखकों में अमीर खुसरो का नाम प्रसिद्ध था। वे तुर्क थे, उन्हें संस्कृत का भी ज्ञान था। उन्होंने सितार का आविष्कार किया। उनकी प्रसिद्धि का आधार लोक प्रचलित गीत है। अमीर खुसरो ने पहेलियाँ भी लिखी। आपका अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब कैसा शासक था। तो औरंगजेब समय के विपरीत चलने वाला शासक था। उसने अपने कामों से पूर्वजों के कामों पर पानी फेर दिया। उसने क्या किया, जो उनके पूर्वज थे उन्होंने जो भी काम किया था उसको उसने नष्ट करवा दिया। उसे कला साहित्य से कोई प्रेम नहीं था। वह धर्मांध एवं नैतिकतावादी था। उसने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया। उसने अनेक मंदिर तोड़वाकर प्रजा के बड़े हिस्से को नाराज कर दिया। अकबर कौन था, उसके क्या लक्ष्य थे, वो क्या करना चाहता था। तो अकबर भारत में मुगल खानदान का तीसरा शासक था। वो बाबर का पोता था, तो बाबर उसके दादाजी थे। वो बहुत अधिक आकर्षक था, बहुत सुंदर था, गुणवान था, वो बहादुर था, साहसी था, एक योग्य सेना नायक था और इन सब के अलावा वो बहुत विनम्र था, दयालु था। वह आदर्शवादी और स्वप्नदर्शी था, बहुत अधिक सपने देखता था। तो साथ ही वह लोगों का ऐसा नेता था जो अपने अन्यायों में तीव्र स्वामी भक्ति भर सके। तो उसके जो अन्यायी थे, उसको जो मानते थे, उसके प्रति बहुत अधिक वफादार थे। वह लोगों के दिल और दिमाग पर विजय हासिल करना चाहता था। वो एक अखंड भारत का निर्माण करना चाहता था। वह 1556 में शासक बना और उसने 50 वर्ष तक शासन किया। उसने राजपूतों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए। अकबर ने जो इमारत खड़ी की, जो उसका साम्राज्य था वो इतना अधिक मजबूत था कि उसके जो उत्तराधिकारी थे वो दुर्बल थे, बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं थे। फिर भी उसका जो साम्राज्य था वो 100 साल तक कायम रहा। अगला क्वेश्चन है, जिन दिनों दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उन दिनों कौन सा हमलावर दिल्ली के आसपास आया। तो जब दक्षिण में विजयनगर तरक्की कर रहा था उन्हीं दिनों उत्तर के पहाड़ियों से, उत्तर की जो पहाड़ियाँ थी वहाँ से होकर एक हमलावर दिल्ली के पास पानीपत के प्रसिद्ध मैदान में आया। 1526 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन को इसने जीत लिया। इसका नाम था बाबर। ये
तुर्क मंगोल था, उसी ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। तो आपका जो क्वेश्चन है किसी भी तरह आ सकता है, जैसे भारत में मुगल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप यही आंसर लिखेंगे, जो तुर्क मंगोल बाबर था उसने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पर्दा प्रथा के बारे में बताओ। तो भारत की पर्दा प्रथा एक दुर्भाग्यपूर्ण बात थी। इसका विकास जो हुआ था मुगल काल में, तब हुआ जब यह हिंदुओं और मुसलमानों दोनों में पद और आदर की निशानी समझा जाने लगा। औरतों को अलग पर्दे में रखने की जो ये प्रथा थी वो उच्च वर्ग के जो मुसलमान थे उसमें बहुत ज़्यादा थी। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो के बारे में बताइए। तो जो अमीर खुसरो था वो तुर्क था, फारसी का प्रसिद्ध कवि था और उन्होंने भारतीय संगीत में बहुत अधिक योगदान दिया। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय जो वाद्य यंत्र है भारत का, वो सितार, उसका आविष्कार इन्होंने ही किया था। और जो इन्होंने कई विषयों की रचना की थी, इनमें धर्म, दर्शन, तर्क, शास्त्र, भाषा, व्याकरण के अतिरिक्त संगीत भी शामिल है। तो अमीर खुसरो तुर्क थे, वो फारसी के प्रसिद्ध कवि थे, उन्होंने भारतीय संगीत में बहुत योगदान दिया था। कहा जाता है कि भारत के लोकप्रिय वाद्य यंत्र सितार का आविष्कार उन्होंने ही किया था और उन्होंने कई विषयों की रचना की, इनमें धर्म, दर्शन, तर्क, शास्त्र, भाषा, व्याकरण के अतिरिक्त संगीत भी शामिल है। आपका अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य के खंडित होने का क्या कारण था, उसकी क्या वजह थी जो मुगल साम्राज्य खंडित हो गया। तो मुगल साम्राज्य के खंडित होने का महत्वपूर्ण जो कारण था वो था आर्थिक ढांचे का चरमराना। और जो किसान थे बार बार विद्रोह कर रहे थे, कुछ आंदोलन बहुत बड़े पैमाने पर हुए। 1669 ईस्वी के बाद जो जाट किसान थे वो दिल्ली सरकार के खिलाफ उठ खड़े हुए और गरीब लोगों का जो अन्य विद्रोह था वो था सतनामियों का विद्रोह। तो ये सारी वजह थी जिससे कि जो मुगल साम्राज्य था वो खंडित हो गया। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने अपने 50 वर्ष के शासनकाल के दौरान क्या किया। तो जो अकबर था उसने 50 वर्ष के लंबे शासनकाल के दौरान अखंड भारत के सपने को पूरा करने में वो लगा रहा। उसने अनेक स्वाभिमानी राजपूतों को अपनी ओर मिला लिया। उसने एक राजपूत राजकुमारी से शादी भी की। तो उसका बेटा जो जहांगीर हुआ वो आधा मुगल और आधा राजपूत था। क्यों था? क्योंकि जो अकबर था वो मुसलमान था और उसकी जो पत्नी थी वो राजपूत थी, हिंदू थी। तो इनका जो बेटा हुआ जहांगीर, उसको कहा जाता था कि वो आधा मुगल है और आधा राजपूत है। और जहांगीर का जो बेटा था शाहजहां, वो भी राजपूत माँ का बेटा था। तो जहांगीर ने भी क्या किया था, राजपूत कन्या से शादी की थी। तो उसका जो बेटा हुआ शाहजहां, वो भी क्या था, आधा मुगल था और आधा राजपूत था। अकबर तुर्क या मंगोल होने की अपेक्षा कहीं अधिक भारतीय था। आपका अगला क्वेश्चन है, अपने आरंभिक दिनों में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य काम क्या था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका मुख्य काम क्या था, यहाँ से माल लेकर अपने देश में बेचो, यूरोप में व्यापार करना। तो भारतीय माल लेकर वो यूरोप में व्यापार करते थे, इससे उनको बहुत अधिक लाभ होता था। और जब इंग्लैंड में मशीनी युग आया, मशीनों का निर्माण हुआ, उस समय भी भारतीय वस्तुएं इतनी अधिक मात्रा में थी कि भारी चुंगी लगाकर कुछ चीज़ों का तो आना बंद करके रोकना पड़ा। तो यहाँ पर जो चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा थी इंडिया की, तो इन्होंने क्या किया, जो भारतीय वस्तुएं थी यहाँ से और ना जाए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिया। इस तरह से उन्होंने भारतीय चीज़ों का वहाँ पर आना बंद किया। अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने पर कौन सी ताकतें अधिकार के लिए संघर्ष कर रही थी। तो फ्रांसीसियों के भारत से हट जाने के बाद तीन ताकतें थी जो क्या कर रही थी, संघर्ष कर रही थी अधिकार के लिए। वो थी मराठा संगठन, दक्षिण में हैदर अली और अंग्रेज। प्लासी में अंग्रेजों की जीत हुई और बंगाल बिहार में फैलने के बावजूद ऐसे लोगों की संख्या कम थी जो अंग्रेजों को भारत की नियति मानते हों। तो वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जो है वो हमारे देश में शासन करें। अभी भी जो पहला स्थान था वो किसका था, मराठों का था।
अमीर खुसरो की लोकप्रियता का आधार क्या है? अगला क्वेश्चन है आपका ये, तो अमीर खुसरो की लोकप्रियता का आधार उनके लोकगीत हैं। वो क्यों लोकप्रिय हुए? अपने लोकगीतों की वजह से। उन्होंने सामान्य बोलचाल की भाषा को अपनाया। अमीर खुसरो ने बहुत सी पहेलियाँ भी लिखी अपने लंबे जीवन काल में। खुसरो जो थे अपने गीतों और पहेलियों के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। आपका अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड का भारत में कब आगमन हुआ? तो इंग्लैंड का भारत में जो आगमन हुआ था वो हुआ था 1600 ईस्वी में, जब रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को परवाना दिया, उनको परमिशन दे दी कि वो भारत में व्यापार कर सकते हैं, भारत से व्यापार कर सकते हैं। उस समय शेक्सपियर थे, वो जीवित थे और लिख रहे थे 1608 में। फिर मिल्टन का जन्म हुआ, इसके बाद क्रॉमवेल सामने आए और फिर जो राजनीतिक क्रांति थी वो हुई। आपका अंतिम क्वेश्चन है, महाराजा रणजीत सिंह कौन थे? तो महाराजा रणजीत सिंह जाट सिख थे। उन्होंने पंजाब में अपना शासन कायम किया। वो एक अद्भुत व्यक्ति थे। उनका शासन निर्दयता और दमन से मुक्त था, काफ़ी दयालु थे ये। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो गया, ये थे कुछ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न। तो आप इसको अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और जो चैप्टर है उसको भी अच्छे से सुन लीजिए, ताकि कोई भी क्वेश्चन हो वो करने में आपको मुश्किल ना हो। तो आपको इसको अच्छे से समझिए, याद कीजिए और हमारे चैनल असा एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।